Dear students and my loving friends, very good morning. In this lecture we are going to discuss one of the most important and small topic of English language, that is called question tag. Actually daily we use so many times question tag in our conversation. While talking to each other, so many times we use question tag in Hindi language, but we don't know what is question tag in English. In this lecture we will discuss, we will mention actually what is it. So dosto, Hindi mein hame pata hota hai question tag kya hota hai. Hum baatcheet karte waqt kai baar question tag ka istemal karte hain, लेकिन हमें पता नहीं होता एक्चुअली क्वेश्चन टैग होता क्या है. हम वही बात करने जा रहे हैं. तो जैसा आपको पता है क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन का मतलब होता है पर्सन और टैग का मतलब होता है मिलाना, जोड़ना, नथिंग कर देना, यानी कि पर्सन को जोड़ देना, वो होता है क्वेश्चन टैग, पर्सन को मिला देना. वो कैसे, हम कोई भी बात कहते हैं ना, बात को कहने के बाद हम उसमें खुद एक पर्सन मिला देते हैं और फिर दूसरे से उसका हाँ या ना में जवाब लेते हैं. जब हम उसमें पर्सन मिला देते हैं, दूसरे से हाँ या ना का जवाब लेते हैं ना, वही क्वेश्चन टैग होता है. कैसे, जैसे मैं बताता हूँ आपको. राम एक बहुत बड़े भगवान थे ना, तो ये बोलने के बाद अब दूसरे को जवाब देना होता है सुनने वाले को कि हाँ थे या नहीं थे. ठीक है, तो जब हम अपनी बात कहकर सुनने वाले से, लिसनर से उसकी स्वीकृति लेते हैं हाँ या ना के, तो वो हमारा क्वेश्चन टैग होता है. बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मज़ेदार टॉपिक है और इंग्लिश की जान है, कन्वर्सेशन की है. तो ध्यान से सुनिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. इंग्लिश में हम क्या कहते हैं इसको, इन आवर डेली कन्वर्सेशन, हमारी हर रोज की बातचीत में We make certain statements. हम बहुत सारी प्रतिक्रियाएं बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं, शब्द बोलते हैं. And then और उसके बाद ask the confirmation from the listener. उसके बाद ask the confirmation from the listener. सुनने वाले से उसकी स्वीकृति लेते हैं. कैसे, पहले तो हमने स्टेटमेंट बोल दी, स्टेटमेंट के बाद उसमें क्या कर दिया, एक क्वेश्चन टैग कर दिया. टैग करना यानी मिला दिया. कोई भी सेंटेंस बनाते हैं हम, जैसे वो इंग्लिश में सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मिलाते हैं हम, तो वो हमारा स्टेटमेंट बन जाते हैं, सेंटेंस बन जाता है. उसके बाद उसमें ही हम एक क्वेश्चन ऐड कर देते हैं. क्वेश्चन ऐड कैसे करते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना, ये हेल्पिंग वर्ब, इसको लगा देते हैं पहले, उसके बाद फिर सब्जेक्ट लगा देते हैं, तो वो हमारा क्वेश्चन टैग हो जाता है. कुछ रूल्स हैं दो चार, उसके बाद आप जब एग्जांपल पे आएंगे तो आप फटाफट आप खुद बोलेंगे. क्या ध्यान रखना है हमने, अगर जो हमारी स्टेटमेंट है पॉजिटिव है, इफ स्टेटमेंट इज पॉजिटिव देन क्वेश्चन टैग विल बी नेगेटिव. अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा. इफ स्टेटमेंट इज नेगेटिव, अगर स्टेटमेंट ही नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग हमारा क्या होगा, दैट विल बी पॉजिटिव, वो हमारा पॉजिटिव होगा. अगर किसी बात में हम कहते हैं ना कि वह सही है, तो ये पॉजिटिव हो गया. अगर हमने बोल दिया वो सही नहीं है तो वो नेगेटिव होगा. अगर हमने पॉजिटिव स्टेटमेंट दी है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव में होगा. अगर स्टेटमेंट हमने नेगेटिव में दिया है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में होगा. ये मार्क्स ऐसे ही लगा था मैंने, पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव में और नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव में. ठीक है, आगे बढ़ते हम. व्हाइल मेकिंग क्वेश्चन टैग वी शैल नॉट चेंज द टेंस ऑफ स्टेटमेंट. हम जब भी क्वेश्चन टैग मिलाते हैं तो हमें उस सेंटेंस का जो हमने बोला स्टेटमेंट दी है उसका टेंस चेंज नहीं करेंगे, टेंस वही रहेगा. इफ स्टेटमेंट इज इन प्रेजेंट टेंस क्वेश्चन टैग विल बी इन प्रेजेंट टेंस.
अगर हमारी स्टेटमेंट जो प्रेजेंट टेंस में है तो हमारा क्वेश्चन टैग भी प्रेजेंट टेंस में ही होगा। अब एग्जांपल पे आते हैं, ये आपको बिल्कुल क्लियर होगा, ये ध्यान से सुनना है। क्वेश्चन टैग होता क्या है, हिंदी में हमें पता होता है लेकिन बना लेते हैं लेकिन पता नहीं होता कैसे होता है। आप देखिए, राम एक अच्छा विद्यार्थी है ना। अब देखो, जिसने ये बात बोली है कि राम एक अच्छा विद्यार्थी है ना, उसने बोलने के बाद ये पीछे क्वेश्चन पूछ लिया, ना लगा दिया है ना। अब ये जो सुन रहा ना, उसने जवाब देना है कि हाँ है या नहीं है। अब दूसरा लिखा उसने, तुम एक डॉक्टर हो ना। अब क्या है, तुम एक डॉक्टर हो, ये उसने बता भी दिया और उससे पूछ भी लिया कि हो ना। अब उसने स्वीकृति देनी है अपनी हाँ या ना की। निशा चाय नहीं बना रही है ना। अब उसने बोल भी दिया खुद और दूसरे से हाँ या ना की स्वीकृति के लिए भी पीछे क्या है, क्वेश्चन टैग लगा दिया। कल तुम स्कूल जाओगे ना। अब फिर क्या है, उसने बोल भी दिया कि कल तुम स्कूल जाओगे, उसके बाद में ना लगा दिया। तो एक बात समझ लीजिए, यहाँ पे हिंदी में हम जब भी कोई बात कैसे बोलते हैं, लास्ट में है ना लगा देते हैं कि है ना, वह सही लड़का है ना, वो अच्छा खिलाड़ी है ना, वो दुकानदार ईमानदार है ना, वह दुकानदार ईमानदार नहीं है ना, क्योंकि उसमें नहीं भी लगा देते हैं हम। जिसमें नहीं लगा देते हैं वो होता है नेगेटिव, और जिसमें नहीं लगाते वो होता है हमारा पॉजिटिव। हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए ना, बोल भी दिया और दूसरे से हमने ये क्या है, पूछ भी लिया। ये तो होता है हिंदी में। हिंदी में क्या है, हम लास्ट में है ना लगा देते हैं। अब इंग्लिश में देखिए, हम इंग्लिश में हम इसको कैसे करते हैं वो देखिए। अब एग्जांपल पे आते हैं, अब ये बिल्कुल आपको क्लियर होता चलेगा। अब देखिए, राम इज ए गुड प्लेयर, राम एक अच्छा खिलाड़ी है। ये शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं हमेशा, मैंने आपको दिखाने के लिए लिखा था कि इज नोट, तो यहाँ पे इज लगा था तो हमने हेल्पिंग वर्ब बाहर निकाल दी इज, उसके साथ में ये पॉजिटिव थी, इसमें नोट नहीं था तो हमने यहाँ नोट लगा दिया, उसके बाद जो सब्जेक्ट था वो यहाँ पे लगा दिया। तो स्टेटमेंट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, उसके बाद नोट लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट। राम इज ए गुड प्लेयर, इजंट ही, कि राम एक अच्छा खिलाड़ी है ना। अब सेकंड देखिए, ही गोज टू स्कूल डेली, वह हर रोज स्कूल जाता है ना। अब ही गोज टू स्कूल डेली, अब ये गोज है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब भी हम इंटरप्रिटेशन टेंस बनाते हैं तो डू डज लगाते हैं, तो डज, फिर डज के साथ क्या किया था हमने, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट, नोट लगा दिया, उसके बाद ही का ही, डजंट ही गोज टू स्कूल डेली, डजंट ही। आप थर्ड देखिए, ही इज वर्किंग हार्ड, अब ही इज वर्किंग हार्ड लिख दिया हमने। इसके बाद हम क्वेश्चन टैग कैसे लगाएंगे, जो हेल्पिंग वर्ब है इज, वो इज लगा दिया यहाँ में, इज के साथ में हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के साथ में नोट लगाना है, नोट के बाद में जो भी हमारा सब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट यहाँ ले आएंगे, इजंट ही इज वर्किंग हार्ड, इजंट ही। नेक्स्ट देखिए फोर्थ, ही हैज प्लेड वेल, ही हैज प्लेड वेल। अब हमने क्या किया था, क्वेश्चन टैग बनाते वक्त जो हेल्पिंग वर्ब है उसको पहले ले आएंगे, तो पहले इज था, अब यहाँ पे क्या हैज, तो हैज लगाएंगे, हैज के साथ में नोट और नोट के बाद में जो भी ये ऑब्जेक्ट है ही, तो वो ही हमने यहाँ पे लगा दिया, ही हैज प्लेड वेल, हैजंट ही। अब नेक्स्ट देखिए, ही वर्कड हार्ड, ही वर्कड हार्ड। अब देखो यहाँ पे जो वर्ब की फॉर्म है, हमने बोला था कि टेंस नहीं चेंज करना है जो भी टेंस है। अब ये सेकंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब इंटरोगेटिव बनाते हैं तो हम क्या है, प्रेजेंट में हमने डू डज लगाया था यहाँ सेकंड में, अब फिफ्थ में हमारा ये पास्ट टेंस है तो पास्ट में डिड लगाते हैं, तो डिड हेल्पिंग वर्ब हो गया डिड, उसके बाद नोट और नोट के बाद में ऑब्जेक्ट, ही वर्कड हार्ड, डिडंट ही। अब आगे देखिए सिक्स्थ पे देखिए, ही वॉज ए गुड टीचर, ही वॉज ए गुड टीचर। अब इसके साथ हमने क्वेश्चन टैग लगाना है कैसे, हेल्पिंग वर्ब वोज है, हेल्पिंग वर्ब को हमने उठाया और यहाँ लास्ट में लगा लिया, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने
ये पॉजिटिव स्टेटमेंट थी तो यहाँ नेगेटिव बना दिया, नोट लगा दिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट वाजंट ही वॉज अ गुड टीचर, वाजंट ही वह एक अच्छा टीचर था ना। अब देखो निशा वॉज मेकिंग फूड वो सेम है, इसमें भी हमने क्या था हेल्पिंग वर्ब लगाने हैं, तो यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब वॉज लगा दिया। पॉजिटिव स्टेटमेंट थी या नोट लगा दिया। उसके बाद जो निशा है फीमेल है तो उसके लिए हमने यहाँ पे सी लगा दिया, वॉजेंट सी। नेक्स्ट है एट्थ, वी हैड डन अ होमवर्क, हैडंट वी, हम होमवर्क कर चुके थे ना। हिंदी है इसकी, इंग्लिश में क्या है जैसे हैड है पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो हमने जब इसका स्टेटमेंट का हमने क्वेश्चन टैग लगाया तो हेल्पिंग वर्ब हैड उठाई यहाँ लगा दी, उसके बाद नोट, नोट के बाद वी को वी, वी हैड डन होमवर्क हैडंट वी। ठीक है, अब नाइन्थ में देखिए ये फ्यूचर का सेंटेंस है, आई शैल बिकम ए टीचर, मैं एक अध्यापक बनूंगा ना। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब को उठाया सेल को, यहाँ लगा दिया सेल, नोट लगा दिया, उसके बाद आई का आई, आई शैल बिकम ए टीचर, सेल नोट आई। नेक्स्ट देखिए टेंथ, यू शुड वर्क हार्ड, आपको मेहनत करनी चाहिए ना, यू शुड वर्क हार्ड, शुडंट यू, तो हेल्पिंग वर्ब क्या थी यहाँ शुड, तो शुड को यहाँ शुड पहले फिर उसके बाद नोट और फिर यू। अब एक चीज़ देखना फिर यहाँ पे इलेवंथ है, इसको मैंने रेड में इसलिए लिख रखा है, समझिए जब एम होता ना एम, तो यहाँ एम नहीं लगाते, उसको आर में चेंज करते हैं। आई एम ए गुड प्लेयर, आर नोट आई, आई एम ए गुड प्लेयर, आर नोट आई, वही चीज़ें रहेगी, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लगाएंगे, उसके बाद नोट लगाएंगे, उसके बाद आई, एम नहीं लगाते हैं क्वेश्चन टैग में, एम नहीं लगाते, आर लगाते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारा इलेवंथ है, क्या तुम पढ़ते हो ना, अब इसमें इंटरोगेटिव है ये, डू यू रीड, डोंट यू, क्या नहीं पढ़ते, तो डू जो वर्ब थी वो उठा ली हमें हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नोट, उसके बाद ऑब्जेक्ट है यू, डोंट यू, डिड ही हेल्प यू, तो यहाँ डू था, डू के साथ नोट लगा था, तो यहाँ डिड है तो डिड के साथ नोट लगा देंगे, डिडंट ही। नेक्स्ट देखिए आर यू नोट एग्री, अब ये चीज़ देखिए यहाँ पे नेगेटिव का ही, इसमें नोट आया है, पहले किसी में नोट नहीं था, अब इसको समझना है, जब इन सब में यहाँ नोट नहीं था तो हम यहाँ पे नोट यूज करते थे सब में, अब जब हमारे पास यहाँ नोट है तो हम यहाँ नोट नहीं यूज करेंगे। आर यू नोट एग्री, आर यू, क्या तुम सहमत नहीं हो, हो, तो जब हिंदी में ऐसे सेंटेंस बनाते हैं तो लास्ट में क्वेश्चन टैग बनाते वक्त जब हमने हिंदी में हो किया ना, तो यहाँ पे आर यू, क्या हो। ठीक है, तो हमें ये देखना अगर नेगेटिव है ना स्टेटमेंट तो क्वेश्चन टैग हमारा पॉजिटिव होगा। हैव यू गोन, हैव यू गोन, हैवंट यू, हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, नोट लगा देंगे, यू लगा देंगे। अब देख फिर नेगेटिव आ गया लास्ट, नोट है इसके अंदर, नेगेटिव है तो नोट है, तो यहाँ पे नोट नहीं लगाएंगे। यू आर नोट स्टूडेंट, आप एक विद्यार्थी नहीं हो ना, यू आर नोट स्टूडेंट, आर यू, क्या हो। तो क्वेश्चन टैग ये होते हैं, हम अपने स्टेटमेंट कहने के बाद जो सुनने वाला होता ना लिसनर, लिसनर से उसकी स्वीकृति लेते हैं, कन्फर्मेशन लेते हैं, तो जो कन्फर्मेशन लेने के लिए हम लास्ट में जो ये है ना लगा देते हैं ना, हिंदी में है ना और इंग्लिश में आरंट, आरंट, इजंट, डिडंट, डोंट, सेंटेंस के बाद में ये चीज जोड़ते हैं, तो हमारा क्वेश्चन टैग है। तो फ्रेंड्स मेरे ख्याल से तो समझ आ गया होगा, और सबसे बड़ी बात है प्रैक्टिस, दो चार बार प्रैक्टिस करोगे तो ये बिल्कुल जम जाएगी बात आपको। ठीक है, अगर आपको जरा सी भी हमारे ये जो मेहनत की हमने थोड़ी बहुत, अगर आपको उसे नॉलेज में जरा सा इजाफा हुआ है, फ़ायदा हुआ ना, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों और शेयर भी कर दो। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।